नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज की ताजा तरीन खबरों की। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जो 17 मई तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाता धारकों के खाते में 500-500 रुपए की दूसरी किस्त आज से ट्रांसफर की जाएगी। कोरोना मुक्त हो चुके राज्य त्रिपुरा में आज से सरकारी कर्मचारी सामान्य रूप से अपने काम पर वापस लौटेंगे। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार त्रिपुरा के ग्रीन और ऑरेंज जोन में सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केंद्र सरकार ने आज से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आदि पर गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति दे दी है। जहां ये अनुमति ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को ही मिल पाएंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रियायतों को लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत आज से सभी सुरक्षा इंतजामों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा सभी तरह के ऑफिसों को 30% स्टाफ के साथ खोला जाएगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल इलाके में सभी तरह के दुकान भी खोले जाएंगे, जबकि सिनेमा घर, मॉल और सैलून जैसे चीजें अभी भी बंद रखे गए हैं। शादी ब्याह में 50 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और धार्मिक स्थलों पर भी ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के तीर्थयात्री आज से राज्य स्थित केदारनाथ एवं अन्य हिमालयी मंदिरों में जा सकते हैं। इसके साथ ही रावत ने कहा है कि आज से कुछ शर्तों के साथ अंतर जिला आवागमन की भी अनुमति दी जा रही है। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत आज से होने जा रहा है, जहां इसमें केंद्र सरकार बहुत सी छूटों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इसमें एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू होंगे, वहीं दूसरी ओर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट भट्ठे सहित सभी औद्योगिक व निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 7000 ऐसे ट्विटर अकाउंट का पता लगाया है जिन्हें अप्रैल 2020 में खोला गया है और इनका संचालन पाकिस्तान से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार को इस सप्ताह सौंपे गए रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि इन सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत को लेकर एक मुहिम चलाया है, जिसका उद्देश्य खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करना था। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया है कि 5 मई को जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के सार्वजनिक रूप से फिर से सामने आने और उनके स्वस्थ दिखाई देने पर खुश हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से निपट रहे लोगों के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें सलाम किया और कहा कि कोरोना से निपट रहे लोगों का पूरा देश सम्मान करता है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने माना है कि कोरोना मरीजों की संख्या में बेशक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जल्द ही अब इनमें अस्थिरता आनी शुरू होगी। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे स्थित सरकारी जनरल अस्पताल को ICMR ने कोरोना की वजह से गंभीर हालत में भर्ती मरीजों का इलाज प्लाज्मा पद्धति से करने की अनुमति दे दी है। राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर अध्यादेश लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना समस्या के दौरान सरकार द्वारा तय नियमों एवं गाइडलाइन की अनदेखी करने पर 2 साल की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों एक साथ किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के दौरान अंतर जिला आवागमन की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अब तक कोरोना के 600 से ज्यादा मामला सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने जानकारी दी है कि जम्मू और कश्मीर में सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थाएं 17 मई तक बंद रहेंगे। IFSC मुख्यालय मुंबई की बजाय गुजरात के गांधीनगर में बनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर NCP अध्यक्ष शरद पवार ने ऐतराज जताते हुए PM नरेंद्र मोदी को खत लिखा है।
मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा, मुझे 40 साल की राजनीति का अनुभव है, लेकिन सौदेबाजी और महत्वाकांक्षी राजनीति का अनुभव नहीं था, शायद इसलिए मैं अपनी सरकार नहीं बचा पाया। पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के MD आनंद किशोर ने NHAI और DMRC के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि पटना में मेट्रो के कोच की चौड़ाई दिल्ली मेट्रो से अधिक होगी। इसके साथ ही पटना मेट्रो को लेकर इस बैठक में कई और फैसले लिए गए। ऋषिकेश एम्स में कार्यरत 29 वर्षीय एक नर्सिंग अधिकारी को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद उनके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कांग्रेस को छोटे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, यह वह समय है जब सभी को एक सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहिए। पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच घरों में कैद लाखों लोगों ने सुकून की तलाश में पटना चिड़ियाघर के वर्चुअल शेयर किए हैं। इस चिड़ियाघर में 800 से अधिक पशु पक्षियों का बसेरा है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में छात्र और प्रवासी मजदूरों समेत सभी निवासियों को चरणबद्ध तरीके से वापसी लाने की योजना बनाई गई है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। असम से हमारे संवाददाता हिरेंद्र गोगोई बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार कल से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से सटी अपनी सीमाएं खोल दी है और बाहर फंसे लोगों को अपने राज्य में लौटने का रास्ता दे दिया है। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि एक ओर जहां कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस कारण कई लोग भुखमरी के कगार पर भी आ गए हैं और इस लंबी होती लॉकडाउन के कारण कई लोग भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। इस पर सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। यूपी के रामपुर से हमारे संवाददाता यासीन खान बता रहे हैं कि SDM बिलासपुर ने दर्जनों बाइकों को हरी झंडी दिखाई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दवाइयां पहुंचाएंगे। यूपी के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबत मवेशियों को हो रही है, जिसको लेकर SP यमुना प्रसाद ने धनारी थाना में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता SP सुखवाल बता रहे हैं कि जिलाधिकारी ने पत्रकार दिवस की सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब लॉकडाउन चल रहा है, तब तमाम पत्रकारों ने अपनी भूमिका काफी अच्छे ढंग से निभाई है, जिस कारण प्रशासन अपनी बात को जनता तक आसानी से पहुँचा पाई। यूपी के पीलीभीत से हमारे संवाददाता अवध किशोर बता रहे हैं कि महिला कल्याण केंद्र में पुलिस और जनता की सुरक्षा के लिए 3-लेयर मास्क बनाया जा रहा है और ये मास्क बनाकर फ्री में जरूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जाए। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।